देखो वैसे तो तुम्हारे भाई ने प्लेज ली थी कि तुम्हारा भाई अब जंक फूड नहीं खाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इनका यूट्यूब चैनल देखता हूँ ना, मेरे को बहुत भूख सी लग जाती है यार। मिर्ची पे तुम्हारे साथ है सिद्धांत और शो चल रहा है मिर्ची हैंगआउट। अभी मेरे साथ है नदीम अहमद जो कि एक ट्रेवल एंड फूड कॉन्टेंट क्रिएटर है और यूट्यूबर है। सो वेलकम टू हैंगआउट शो नदीम। हेलो सिद्धार्थ। और नदीम एक बात बताओ कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारा ट्रैवल और फूड से रिलेटेड बहुत अलग अलग तरह के कंटेंट अभी right. दिखते हैं, मतलब तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे जिसपे अभी 8000 प्लस सब्सक्राइबर्स है, राइट? सो ये जर्नी क्या कैसे थी, मतलब 0 to 8000 सब्सक्राइबर, ताकि जो भी नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले उससे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, एक ये जर्नी शुरू कैसे हुई। राइट, इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। हुआ ऐसा कि मेरा दोस्त उदय खाका, मेरा बचपन का दोस्त है, वो आया था पुणे और हम बाइक से जाने वाले थे पुणे टू काशी बीच जो की मुंबई बॉर्डर पे। अब उसने मुझे बोला नदीम तेरे पास फोन है, वन प्लस 5 यूज कर रहे तू, आखिर बनाता क्यों नहीं है, बना ना ब्लॉग, चल ट्राई करते हैं। मैं बोला, मैंने उसे कहा कि यार मेरे पास कैमरा वगैरह है नहीं, बोलते चल फोन से ही बनाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जो है उसे यूज करते हैं। सही बात है। और फिर हमने शुरुआत कर दी, फोन हाथ में लेके पूरी जर्नी रिकॉर्ड करी, ब्लॉग बनाया और मैंने अपलोड कर दिया उसे, और वो था ऑलमोस्ट 23 मिनट का। वहां से ऐसी शुरुआत हुई थी, कहानी सुनाने का तरीका आपको मिल गया, कहानी सुनाने का प्लेटफॉर्म मिल गया, और फिर धीरे धीरे करके पहले तो सब्सक्राइबर जनरली आपकी मम्मी होती है, आपकी नानी होंगी, हाँ, आपके खास दोस्त होंगे। 17 सब्सक्राइबर से शुरुआत हुई, शुरू के 1.5 साल तक वो 17 ही रहे। फिर लास्ट ईयर जब सीरियसली मैंने शुरू किया है अपने जॉब के अलावा टाइम निकाल के, मैंने इसमें सैटरडे संडे इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो धीरे धीरे आज वो 0 से शुरू होकर यहाँ पर 8800 है राइट नाउ, थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था। तो बेसिकली इसका जो सीन है, हमें फूड, पीपल और प्लेसेस, ये 3 पिलर है मेरे कंटेंट के, तो मैं इसी पे ही कहानियां शेयर करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा कंटेंट था आपका, या फिर ऐसा कौन सा सेगमेंट था जिसने आपको सबसे ज्यादा रीच दिया, या फिर उससे आपके चैनल को ग्रोथ मिली? देखिए सबसे ज्यादा जो है ना वो है चला मेरा स्ट्रीट फूड, भिलाई स्ट्रीट फूड सीरीज जो मैंने शुरू करी। अच्छा। उसमें अभी मैंने 4 एपिसोड डाले हैं, तो उसमें अराउंड 1 लाख व्यूज है एक वीडियो पे, और बाकी में 90,000 तो वो लोगों को बहुत पसंद आया कि आप गली के कोने में इस ठेले के बारे में बता रहे हैं लोगों को, जो कि 30 साल से वहाँ पर है, वहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट है, ये लोगों को बहुत पसंद आया और इससे सभी ने कनेक्ट किया। और इससे पहले, इस वीडियो से पहले आपने और लगभग कितने वीडियोस बना लिए थे ये हिट होने से पहले? इससे पहले 4 ही वीडियो थे, ज्यादा नहीं थे। पहले मैंने, मेरा क्या मोटिव था कि मैं कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो मेरे चैनल पे ट्रैवल के गाइड भी हैं, जैसे कि आप अपने पेट को लेके कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, उसपे भी 8000 प्लस व्यूज है। उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे जो लोग कंटेंट बाद में क्रिएट करने का सोचते हैं, पहले सोचते हैं नहीं यार लाइट ले लेते हैं, पहले नहीं पहले पूरा कैमरा सेटअप कर लेते हैं, पहले पूरा नहीं अच्छे से बना लेते उसके बाद कॉन्टेंट बनाएंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे आखिर में? मैं उनको यही एडवाइस देना चाहूंगा जो मैंने भी इस तरह से शुरू में खुद को रोक के रखा, कई साल तक मैंने बनाया नहीं कि मुझे लाइट चाहिए, कैमरा चाहिए, DSLR चाहिए। देखिए जो आपके पास है ना आप उससे शुरू करिए, और बाकी कंटेंट इज द की, बट स्लोली ट्राई टू इम्प्रूव, हर एक कंटेंट के साथ इम्प्रूव करो। क्या बात है यार। तो अगर आपको भी नदीम का चैनल देखना है तो जल्दी से जाओ YouTube में और द लोकल गाइड टाइप करो, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई को। Instagram पे भी है ये द लोकल गाइड के नाम से, और तुमको बहुत सारी पीपल, प्लेसेस, फूड, इस तरीके के बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, क्योंकि मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश।